अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खुशकिस्मत मुसलमान के बारे में बताएंगे जो हज के लिए पैदल ही घर से निकल पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो रोजाना कितना सफर तय करता है और उसे खाना काबे तक पहुंचने के लिए कितने दिन लगेंगे। आगे चलकर हम आपको इस खुशकिस्मत मुसलमान के बारे में मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। इस खुशकिस्मत मुसलमान का नाम शहाब है, जो कि इंडिया के शहर केरला से ताल्लुक़ रखता है। शहाब ने अपना ये सफ़र 2 जून से शुरू किया। अहले खाना, रिश्तेदार और हमसायों ने भरपूर अंदाज में इस नौजवान को अलविदा कहा। शहाब रास्ते में आने वाली मस्जिद में आराम करेंगे और खाना भी वहीं पर खाएँगे। शहाब को इंडिया से खाना काबा तक पहुँचने के लिए 280 दिन लगेंगे, इसीलिए उन्होंने रोज़ाना 25 किलोमीटर चलने का मंसूबा बनाया है। शहाब जहाँ से भी जाते हैं उस शहर के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हजूम इनके इर्द गिर्द जमा हो जाता है और कुछ फासले तक इनके साथ भी चलते हैं। और शहाब की ख्वाहिश है कि वो सन 2023 तक हज की सआदत हासिल कर लें, इसी वजह से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। हज के सफ़र पर रवाना होने से पहले एक इंटरव्यू में शहाब ने कहा था कि उनका ख्वाब था कि वह इंडिया से मक्का पैदल चलकर हज करें। आपको शहाब के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना।